अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मेरे बालों पे मज्जा है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगी अपने बालों का पूरा सब कुछ चेंज कराने के लिए। और फिलहाल मैं सो के उठ गई थी, आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मेरा एक पार्सल जाना था गाइज जल्दी का, वो मुझे रैपिडो से भेजना था। जो दिल्ली के कुछ लोग हैं जो रैपिडो से पार्सल्स अपने मंगाते हैं, तो उठकर थोड़ा जल्दी भेज देगा बस इसलिए। गाइस अभी मैं उठ गई हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, आगे की सारी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, शेयर करें, मोहब्बत दिखाएँ, ताकि मुझे भी मज़ा आए आपको ब्लॉग्स और ज़्यादा बनाने में। और एक लड़की है कोई फायज़ा वगैरह करके, जिसको ये था कि आप स्लमपुर मार्केट से कपड़े खरीदती नहीं हो, लेकिन आपके भाई ने स्लमपुर मार्केट में दुकान खोल ली। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो जो मेरा भाई है ना, वो मेरा भाई नहीं है। मींस कि वो ना तो मेरा सगा भाई है, ना ही वो मेरा कोई रिश्तेदार है। वो सिर्फ़ एक दुकानदार है मार्केट के अंदर, जो मैं जब अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि हम गोल्ड वगैरह जो भी लेते हैं सलमपुर से लेते हैं ज़्यादातर, मेरी मम्मी वगैरह, तो खैर मुझे तो गोल्ड का इतना शौक ही नहीं है गाइज। तो जब उस फैब्रिक वाले से, उस अमान से मैं एक बार कपड़ा लेकर आई थी, तब उन्होंने मुझसे बोला आप ही, आप मुझे अपना नंबर दे दो, और जब भी कोई न्यू डिज़ाइन मैं लाऊंगा मार्केट जाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको भेजूंगा। तो आज हम लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया कि मैं उसकी दुकान पे जाती भी नहीं हूँ। आपने मुझे पहली बार देखा होगा वो, क्योंकि मुझे कोई भी डिज़ाइन लेकर आता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले मुझे भेजता है, ठीक है। और उसका ये भी है कि अगर मैंने उसको बोल दिया कि ये डिज़ाइन यहाँ सलमपुर में नहीं बेचना, तो वो नहीं बेचेगा। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, तो वो मेरा ऐसा वाला भाई है, वो मेरा सगा भाई नहीं है कि सलमपुर से। और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं सलमपुर से कपड़े नहीं खरीदती? ये मेरा दिल है, अगर मुझे पसंद आएगी लाख की चीज़ तो लाख की खरीदूंगी, खाक की पसंद आएगी तो खाक की खरीदूंगी। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता। मैं कभी भी ये, और सलमपुर में मैं, मतलब जो मेरी जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, सारी चीज़ें बस ये क्या, बचपन से ही मेरे पापा ने भी हम लोगों को सलमपुर के कपड़े नहीं पहनाए, हम लोग बाहर के ही कपड़े ज़्यादा पहनते हैं इधर उधर की मार्केट्स के। बाकी मैंने कभी भी किसी भी जगह को ख़राब नहीं कहा, इतना याद रखना कि भाई तो है नहीं सलमपुर से कपड़े ख़रीदती नहीं हूँ। और देखो मैं जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं जवाब देना नहीं चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता किसी के मुंह लगने का, लेकिन हो जाता है कभी कभी दिमाग ख़राब मेरा भी। तो प्लीज़ मुझसे उलझना हो तो सोच समझ के उलझा करो आप जैसे लोग। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं वो, उनके लिए मैं जैसे हूँ पोलाइटनेस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ वैसे ही हूँ। खैर मैं सबके साथ ही ऐसी हूँ, बस मुझे गुस्सा मत दिलाया करें, बहुत गुस्सा आने लगा है आजकल। इधर आज हमारे यहाँ बने हैं पाए, क्यों खोल नहीं सकते? सारा लोगों ने भी तो खोला है। ओके, तो इसमें आप ही ने बनाए हैं पाए। इधर ये मैदा पिस गया है, इधर हम चिकन को बॉईल किया है आप ही ने, इधर सारी वेजीज आप ही रोस्ट कर रही है क्योंकि आप ही बनाएंगी आज मैक पफ, मैकडी वाले मेरी आप ही शेफ हैं। आप देख सकते हो इन्होंने लगाया हुआ मेरा फेस पैक। मम्मी मैं बना रही है, वहाँ पर पिज्जे की रोटी बनाने पर पेटीज। ये बर्फ कूट रही है शरबत के लिए, ये हमारा शरबत, ये पागल लड्डू बैठा हुआ है। टूट गया गाइस, अब इसकी शादी नहीं होगी अद्दू की, परवारी बना देंगे पागल के का। तो बस इसकी भी फिर इसमें चिकन कैसे होगा? अभी मैं बताऊंगी कैसे होगा। ओके मास्टर शेफ, ये हमारा घी, ये तेल, ये हमारे मैकअप, इसके ना बाबू कपड़े निकाल दिए क्या करो? पूरी बना रही हो क्या? अभी तो बताया था। ये ऐसे क्यों बना रही हो फिर? ऐसे सब्जी पूरी वाले करते हैं ऐसे करी जाती है, एक के ऊपर एक कोट करके फिर बेल के ऐसे करी जाती है। अच्छा हम बनाएंगे छोटी छोटी पेटीज, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। मगर ये तो एक दिन रखने के बाद बड़े लगते हैं फैन।
गरम गरम मतलब वैसे थोड़े अच्छे लगते हैं, जैसे बने वैसे खा लो। गरम ही तो अच्छी लगती है। गरम अच्छी लगती है मगर जैसे 3-4 घंटे रखने के बाद नेक्स्ट डे राजमारियां बने हैं पाए, वो भी खाएंगे। तू वहां पे अजय भाई के पास बहन देखो ना, फिर इधर कैमरा कराया है, काट दियो जो क्रॉप गंदा सा। मैं खाती हूँ पाए में नस की बोटियां भर भर के, आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी पैर की नस का वो डालती है जिसमें मेरे कपड़े ऐसे करके मैं घूम, जिस कारण ये उठ नहीं पा रहा। आप कब घूमना है? अमानत लाया है टाइगर बिस्कुट और अद्दू भैया। मैं तुम लोगों को एक कहानी बताती हूँ गाइस। इस टाइगर बिस्कुट के पीछे की कहानी ये है, मेरा एक भांजा है मतलब मेरी काफी है, मेरे ताए की बेटी, उनका बेटा है सुफियान, सॉरी नाम भूल गई। तो जब मैं छोटी थी लखनऊ गई, मैं एक महीना अपनी आपी के घर रुकी, कोमल आपी के साथ ही गई हुई थी। तो सुफियान हमें रोज 5-5 रुपए मिलते थे, पापा जी मुझे मिला दे, मुझे और सुफियान को रोज 5-5 रुपए मिलते थे बड़े पापा से, 5-5 रुपए कोमला जी से। तो जब बड़े पापा ने हमें 5-5 रुपए दिए, सुफियान नीचे गया और मेरे लिए बिस्किट ले लिए उसने, मुझसे बिना पूछे, यही टाइगर। और मैं नहीं ओरियो ले लिए, मैं खाती थी टाइगर, उनने ले लिया ओरियो का पैकेट। अब मैं नीचे गई, मैंने कहा तुमने ये क्यों लिए, मैं तो वाला खाती हूँ। तो वो कहने लगा खा ले जान, अब तो हमने ये ले लिया, आप ये ले लो। मैंने कहा नहीं मैं तो वो ही लूंगी। और उनके पापा थोड़े गुस्से वाले मतलब वो थोड़े वैसे, तो वो कहती है, वो मेरे आगे रोने लगा, खाला जान प्लीज आप मेरे बिस्कुट खा लो, खाला जान ऊपर जाके किसी का मत बताना। खाला जान तो इतनी चला के ऊपर जाके उसकी शिकायत लगा दी और उसको पिटवा दिया। और अमानत उस बेचारे ने मेरे चक्कर में अपने बिस्कुट भी दीवार पे रख दिए, खाए नहीं, वही रख गया और ऊपर आके पिटवाया उसे। मैंने उसकी शिकायत कर दी सबसे, मेरे पेट में कुछ नहीं रुकता। दो जल्दी से गाइस, अभी आप देखिए आपको उस जगह की रौनक, जिसका पूरे महीने से आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं जाऊं, अभी नहीं गई हूं लेकिन मैं आज जा रही हूं, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। गाइस हम बैठे रिक्शे में, बाजी किसे बच्चे को क्या चाहिए। जब हम जा रहे थे रिक्शा के घर, हमने रक्षा कर लिया, वहाँ पे हम गए थे फोटो के लिए, मुझे इतना ज्यादा उम्मीद था, सॉरी मारा नहीं गया। शापी रहती है एक जॉइंट फैमिली में, आप देख सकते हैं इनका घर, फिलहाल हम यहाँ खड़े हैं। वो कहाँ गई हैं? इनसे बहुत काम करवा रही हैं। बस सारा कांड को बुला ले दावत तो बकर ले, उसका किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सही हो सायमा खान, सही जवाब देती है लोगों को, सही औकात बिल्कुल। वीडियो बनाऊंगी सायमा खान के लिए। यहाँ कोमल आपी जो है वो काट रही है फ्रूट, अभी फ्रूट नहीं, अभी पकौड़ियों के लिए सब्जी। अच्छा अभी सब्जी। इस दावत में आने का कोई फायदा नहीं है, अपने घर भी काम करो यहाँ के भी काम करो, दोनों का काम करना पड़ता है। वो तो कोई यही कर सकती है गाइस, मैं वहाँ भी लेटती हूँ और यहाँ भी लेटती हूँ, इतनी तबीयत खराब है आज, है तबीयत खराब गाइस, रोज लेटी रहती है मगर ये। हाँ मैं काम नहीं करती है, तुम हो ना काम करने के लिए। आपको पता है जामा मस्जिद पे मैं मुंह में आधा भी लिया है, होते हैं ये क्या कमरक, कमरक वो भी तो होते है ना, शकरकंदी भी तो होती है ना यहाँ पे, शकरकंदी खत्म हो गई है। स्टार फ्रूट
ये संतरा तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी। ये कमरक डलेगी, स्पेशलिटी होता है। क्या होता है यार? स्पेशलिटी, स्पेशलिटी क्या होता है? आंसर स्पेशलिटी। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ की फेमस है ये। जरूरी होता है यहाँ पे कमरक होती है, वो फूड भी तो होती है। आप ही कचरी आपकी बार है ही नहीं वो मार्केटों में। अच्छा। अगर कमरक और अनन्नास तो देख सकते हैं कोमल आप ही कितनी मेहनत कर रही हैं। दरक्षा आप ही सिलिमटरी शीशे में आ रही थी तो मैंने कार्ड कर दिया। इधर मैं दही बड़ों का दही फेंट रही हूँ, आप ही की देखो कितनी अच्छी लग रही है फेंटने वाली। और यहाँ कोमल आप ही फ्रूट्स कट कर रही हैं। ग्रीन ग्रीन क्या है? ये ग्रीन ग्रीन क्या आ गया? पालक। आहो, तू खुद तो चैन से बैठता नहीं है और हमारे और कपड़े रुपट्टा तक उतार देगा। तो आप देख सकते हैं, हाँ पूरे कपड़े रोंदने में लगा। देख सकते हैं आप माशाल्लाह दरक्षा आपी ने कैसे पूरा दस्तरखान भर दिया है, इतनी सारी चीजें बनाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा फेवरेट है, आपको पता है। दही बड़े बनाए हैं इन्होंने जामा मस्जिद स्टाइल, दही भल्ले, दही भल्ले बनाए। और रियान भाई हमारे लिए कचौरी लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा दस्तरखान लग गया है। अब बस हम इफ्तार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दस्तरखान पे सारी चीजें थी, तरबूज काटना कोमल आप ही भूल गई थी, वो काट रही हैं तरबूज। आप देख सकते हो कितना मजेदार लग रहा है। कोमल इज कामिंदा लड़की। यहाँ पे आप ही चॉकलेट्स बांट रही हैं सबको। यहाँ हम खड़े हुए दरक्षा आपी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी ऊपर से आएंगी। दरक्षा आपी आ जाओ। गाइस गाइस, ये पांच पांच लोग आए, एक एक कर दी। आप कुछ बोलोगी भी? हाय गाइस, हम जामा मस्जिद आए हैं, पूरा महीना निकाल के अब आए हैं। कौन सी वीडियो बनाएगा? अभी हमने कुछ नहीं लिया, इतनी भीड़ है ना यहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ है। गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा रश हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और अभी तक मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, पसंद ही नहीं आ रहा। जो मतलब ऐसी हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स वगैरह यहाँ पे ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, ये सब तो। गानों कुछ बोल तो ही नहीं हो तुम। हम सब ले गानों कुछ बोल तो ही नहीं हो तुम। हम सब ले शायद आप देख सकते हैं कितना प्यार मिल रहा है जामा मस्जिद पर। कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। हाँ जी, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है। लड़ते रहो, कुछ कहो। गाइस हम ठेला ले रहे हैं। पहले हम सामान रखने का जुगाड़ बना रहे हैं। गाइस भीड़ इतनी है और दुकान खाली पड़ी है।
वापस नहीं करेगी। इतना कुछ बोलो, कुछ बोलना है, कुछ कुछ बोलो। बोल दिया। हेलो हेलो, हेलो। एक परेशान आंटी, मेरी ले 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 जी कुछ बोल ही दो यार, ब्लॉग छोटा ही बना अभी तक। अभी तो रास्ता है। भाई ने हमारे लिए मंगाई कोल्ड ड्रिंक। भाई सलाम करो। सलाम अलैकुम। So guys, मैंने लिए मून फुटवेयर से अपने लिए बहुत प्यारी स्लीपर्स, और आप ही ने भी लिए, और इनकी आप शॉप देख सकते हैं। मैं एड्रेस वगैरह फोन नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी और स्क्रीन पर भी ऐड कर दूंगी। और देख सकते हैं पैसे भी नहीं दिए मुझे, अपनी साइड से गिफ्ट कर दिए नमान। पहली बार आई उनकी शॉप पे, और थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी डेली लग रही है। ओके हम खा रहे हैं टाइगर के मोमोज। ये टाइगर यार ये टाइगर कहीं गया, शेयर कर रहा है दो भाई। भीड़ के बारे में क्या कहेंगे आप? गाइस आप देख सकते हैं जब हम गए थे तब इतना रश नहीं था जितना रश वापस आने का है। मेरे नहीं आप बोलो भाई। कुछ भी गाइस इतने प्यारे प्यारे लोग मिल गए ना, आप मेरे पे चार रहे हैं इस लोगों के। हां हम क्या जाने क्या होता है ना। मैं बहुत ज्यादा थकी हूं और कोमल अम्मा सबको पीछे छोड़ के मैं आने वाला हूं। मुझे क्या जाना है, अरे रुको जाओ तो नहीं जाना उधर। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे जंगलियों की तरह गलियों में खेल रहे हैं। चलो चलो A few moments later Thank you.
भीड़ हो रही है। करते हैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सॉरी गाइज एंड थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने के लिए। आप सबने देखा कि जामा मस्जिद पे लोगों ने मुझे कितना ज्यादा प्यार दिया और आप लोगों का यही प्यार यही साथ है जो मुझे इंशाल्लाह बहुत 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 आगे लेके जाएगा। और बस जिस चीज का मुझे इंतजार है अल्लाह ताला अपना वो कुन मुझ पे जरूर जरूर बहुत जल्द उस अता करेगा मुझे जो चीज मैं अपने रब से मांगती हूँ। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। सो बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। ऑलरेडी व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है तो बस जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।